तो कैसे भाई लोग स्वास्थ्य मिनिस्टर में, आई होप आप लोग बहुत मस्त हो गए, मैं भी बहुत मस्त हूँ। आज मैं आया हूँ सोनपुर मेला घूमने के लिए। हम लोग आ गए हैं मेला के अंदर में। मेला के अंदर आते ही हमें दिखाई दिया मेला में ट्रैक्टर बिक रहा है, इसका मतलब मेला बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे जैसे हम लोग मेला के अंदर जा रहे थे, धीरे धीरे भीड़ और मेला दोनों बढ़ते ही जा रहा है। मेला के थोड़ा और अंदर आने पे हम लोग को ये वैष्णो देवी का मंदिर दिखाई देता है, जो की बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा था। इसे बनाने में भाई बहुत मेहनत लगा, और इतने में मुझे ये बाबा नजर आते हैं और ये हमें टिक्का चंदन कर लेते हैं और इसका 10 रुपए ले लेते हैं। फिर हम लोग मेले के दूसरे साइड की ओर चल पड़ते हैं और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, यहाँ पे वॉइस ओवर करना सच में बहुत प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं इसे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया। इस मेले को कहा जाता है एशिया का नंबर 1 मेला। सच में हम लोग को आज दिखलाई दे रहा है एशिया का नंबर 1 मेला कितना बड़ा हो सकता है। हमें लग रहा है यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर इस साइड पूरे एरिया में घिरा हुआ है। हम लोग मेला के अंदर आ गए तो यहाँ पे हम लोग को एक महल जैसा दिखलाई दिया। इसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ लगे हुए थे और इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिस्प्ले भी लगा हुआ था। जानकारी लेने पे पता चला जो यहाँ पे कोई भी बड़े बड़े स्टार आते हैं या कोई भी सिंगर आते हैं तो इसी के अंदर यहाँ पे ही प्रोग्राम होता है। तो हम लोग इसके अंदर जाते हैं, कैमरा देखते हैं हम लोग की और घुमा हुआ रहता है। अरे भाई यहाँ पे तो हम लोग को दिखलाई दे रहा है मेरा डिस्प्ले में सीन आ रहा है, मतलब कैमरा हम लोग की और घुमा हुआ है, गेट पे ही कैमरा घुमा हुआ है। तो हम लोग हाथ कुछ ऐसे ऐसे कर लिए डिस्प्ले में दिखलाई देता है। 2-4 जगह और डिस्प्ले लगा था, उसमें भी ऐसे ही दिखलाई दे रहा था। वहां से आगे आने पता चला इधर तो सिर्फ थिएटर ही थिएटर, 4-5 थिएटर यहाँ पे लगा हुआ, और सबका फी देख के तो मेरा हालत ही खराब हो गया। ऐसा रेट हम लोग को दिखलाई दिया, क्या ही बताऊं भाई, 100 से स्टार्ट था। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, स्पेशल का 100 रुपया है और सुपर स्पेशल का 200 रुपया है, और VIP का देख सकते हो 400 रुपया है, और VVIP का देख सकते हो 800 रुपया। भाई मेरी हालत खराब हो गई, यहाँ पे पता चल गया मेरी औकात इसे भी देखने की। थोड़ा आगे आने पे ये भैया मुझे देखते हैं कैमरा ऑन के, इसलिए हाई करते तो मैं भैया को भी हाई कर देता। यहाँ पे देख सकते हो टोपी उपी मिल रहा है, और इससे इस लाइन में पूरा 1 किलोमीटर तक सिर्फ कपड़ा ही कपड़ा मिल रहा था, और जैकेट इसमें बहुत ज्यादा। पहले सुनने को मिलता था सोनपुर में जैकेट सस्ता मिलता है, लेकिन यहाँ आने पे पता चला था 1000 से कुछ कम ही नहीं मिल रहा है। भाई इतना महंगा क्या हो सकता है। फिर हम लोग इधर यहाँ पर से रिटर्न हो गए, पहुंच गए कुछ ऐसे एरिया में जहाँ सिर्फ औजार मिल रहा था, वो 10 और 20 के। तो यहाँ से मैं कुछ कुछ सामान को खरीद लेता हूँ। यहाँ पे कुछ ग्लास और बाटी दिख रहे थे जो कि रंग बिरंग में थे और देखने में बहुत अच्छा लग रहे थे, और इसका प्राइस था 10 और 20 रुपए थे। यहाँ से मैं कुछ ग्लास और बाटी भी ले लेता हूँ जो कि ये फाइबर का था, और 10 और 20 करके मैं यहाँ पे 100 का सामान ले लेता हूँ।
जाती है और हम लोग भोजन के तलाश में चल जाते हैं। एक जगह दुकान दिखलाई देता है जो कि चावल और दाल दे रहा था 120 रुपए के प्लेट। कैमरा ऑन होने की वजह से इसे पता नहीं क्या हो गया, ये बोलता है कैमरा बंद करने के लिए, जिसके वजह से थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो गया और मैं यहाँ भोजन नहीं किया, चला गया दूसरे जगह। चावल दाल अधिक महंगा था, इसी की वजह से मीट का रेट हम लोग का सेम चल रहा था, तो इसके वजह से हम लोग मीट खा लेते हैं भरपेट और यहाँ से निकल पड़ते हैं फिर आगे की ओर। थोड़ा दूर आगे आने पे हम लोग को ये मशीन दिखाई देता है जो इसमें 10 रुपए लेता है और इस पर चढ़ना रहता है और हम लोग का वेट बताएगा और हमारे हमारे बारे में कुछ और चीज बताएगा। इस पे चढ़ने के बाद हम लोग को कुछ ऐसा सुनाई देता है। नमस्कार, आप 80 किलो हैं। आप पैसा कमाने का उपाय सोचते हैं, इस महीने में आपका काम होगा। अरे भाई, पैसा कमाना कौन नहीं चाहता, आप लोग ही बता दो भाई, पैसा कमाना कौन नहीं चाहता। थोड़ा आगे आने पे ये मशीन दिखाई देता है जो कि रोबोट है और ये हमारे भविष्य के बारे में बताएगा, वो भी 10 रुपए में। तो मैं सोचता हूँ भाई सस्ता, इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ। भी बकवास कुछ कुछ बोल देता है, फिर मैं चला जाता हूँ बकरी को देखने के लिए, वो भी गोल गोल मुंह वाला बकरी। यहाँ पे तो बकरी बहुत लंबा लंबा था और इस सब का मुंडी गोल गोल था भाई। फिर हम लोग घर की ओर चल पड़ते हैं क्योंकि मैं जिसके साथ आया था उसे बहुत जोर से नींद लगा हुआ था और अभी तो घर नहीं जा सकते, जिसके वजह से हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और सो जाएंगे। कल सुबह सोनपुर से समस्तीपुर के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। आज कितना ही, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। टाटा बाय।